हूं आपके साथ मीखा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम टीवी बस, जहां पर हम आपसे बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिसने टीवी इंडस्ट्री के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज टीवी बस में जितनी भी खबरें हम लेकर आए हैं सबके तार नागिन सीजन 4 के साथ जुड़े हैं। सुपरनेचुरल पावर एलिमेंट से भरपूर टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर सीरियल नागिन, इसका सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 तीनों धमाकेदार रहे। कई हफ्तों तक नागिन के इंतकाम की कहानी टीआरपी किंग बनी रही, लेकिन इस बार चीजें जरा बदली हुई हैं। इस बार नागिन सीजन 4 को अब तक वो टीआरपी नहीं मिली जिसकी चाहत एकता कपूर को रही। तो ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। टीवी इंडस्ट्री की दुनिया का एक उसूल है, जो चल रहा है अगर वो काम नहीं कर रहा, डू एक्सपेरिमेंट, और यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकता कपूर तैयार हैं। नागिन सीजन 4 को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए रश्मि देसाई की एंट्री यहां पर होने जा रही है, और सिर्फ रश्मि देसाई नहीं बल्कि रश्मि देसाई, मौनी रॉय, ये दोनों आ रही हैं नागिन बनकर सीजन 4 में। अब रश्मि और मौनी अगर आएंगे तो कोई ना कोई तो जाएगा। रश्मि मौनी के आने से लेकर शो को अलविदा कहने वाले दो किरदारों तक सीजन 4 को लेकर जो भी बस सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, सुनिए जरा। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर सीरियल नागिन सीजन 4 के साथ रश्मि देसाई के तार जुड़ जाने की खबर आ रही है। आप सब ये बात जानते हैं, बिग बॉस सीजन 13 के बाद रश्मि की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिग बॉस सीजन 13 के बाद रश्मि देसाई हर जगह चर्चा में है, और इन सबके बीच फिलहाल रश्मि देसाई नागिन सीजन 4 का हिस्सा बनने वाली है। सुपरनैचुरल पावर एलिमेंट से भरपूर टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर सीरियल नागिन सीजन 4 के साथ रश्मि का चेहरा जुड़ने जा रहा है, ये खबर जोरों शोरों के साथ टीवी इंडस्ट्री के गलियारों में सुनाई पड़ रही है। रश्मि जो लगातार मीडिया को इंटरव्यूज दे रही हैं, बताया जा रहा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है, और ये प्रोजेक्ट एकता कपूर का शो नागिन सीजन 4 है। जैस्मिन भसीन को रिप्लेस रश्मि शो में करने वाली हैं। बहुत जल्द शो की शूटिंग शुरू करेंगी। रविवार के एक एपिसोड में वो नजर आ सकती हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस तरह की तमाम खबरों पर नहीं हुई है। कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन रश्मि के नागिन बनने पर सामने नहीं आई है, लेकिन रश्मि के हाथ नागिन सीजन 4 का बड़ा कैरेक्टर लग चुका है, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें आपको, हाल ही में जैस्मिन भसीन ने इस शो को छोड़ा है। शो छोड़ते हुए जैस्मिन ने कहा था, मुझे माफ कीजिए अगर दर्शकों को इससे दुख पहुंचा है, लेकिन नागिन ऐसा शो है जिसमें कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मेरा शो से बाहर जाना भी उन्हीं में से एक था। जब शो शुरू हुआ पहला ट्विस्ट ये था कि नयनतारा नागिन है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नयनतारा नहीं बल्कि बृंदा नागिन है। मेकर्स इस उथल पुथल में थे कि जैस्मिन के कैरेक्टर को खत्म करे या ना करे, लेकिन अब मिली जानकारी की माने तो जैस्मिन उनके शो से बाहर जाते ही रश्मि देसाई शो में एंट्री ले चुकी है। हालांकि आपको बता दें, रश्मि को नागिन बनते देखने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि नागिन सीजन 4 टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो है। अब आते हैं दूसरे सरप्राइज पर। तो गाइस, रश्मि देसाई के साथ ही दूसरा जो ट्विस्ट है वो मौनी रॉय के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल नागिन सीजन 1 और सीजन 2 इन दोनों में ही मौनी रॉय नागिन बनी। एक में शिवन्या, एक में शिवांगी का किरदार मौनी ने अदा किया। अब नागिन सीजन 4 में भले ही निया शर्मा हो, जैस्मिन भसीन हो, अनीता हसनंदानी यहां पर जुड़ चुकी हैं, लेकिन वो टीआरपी अब तक नागिन को नहीं मिल रही है जो इसके 3 सीजन्स को मिली है। नागिन सीजन 4 की टीआरपी के ग्राफ में अब तक वो उछाल नहीं आया है। अब तक नागिन सीजन 4 की टीआरपी ने
पॉपुलैरिटी के उस मुकाम को नहीं छुआ है जहां तक पहले के 3 seasons पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मिली जानकारी की माने तो season 4 की TRP के लिए मौनी रॉय को लाया जा रहा है। खबरें माने तो मौनी रॉय शिवन्या के किरदार में नजर आएंगी। विशाखा बृंदा के खिलाफ चाले चल रही है, देख रहे हैं आप। बृंदा की मदद करने के लिए शिवन्या यानी मौनी रॉय आएंगी। बृंदा और शिवन्या मिलकर विशाखा का मुकाबला करेंगे। हालांकि मेकर्स की तरफ से अब तक मौनी रॉय की रीएंट्री को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मौनी अगर वाकई आ जाती है तो एक साथ 3 नागिनों को देखना फैंस के लिए जबरदस्त ट्रीट होगी। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, जहां एक तरफ यहां रश्मि देसाई और मौनी रॉय की रीएंट्री को लेकर बस बरकरार है। रश्मि और मौनी का चेहरा नागिन season 4 से जुड़ने के लिए तैयार है फॉर द सेक ऑफ बेटर TRP। वहीं कोई है जो यहां से जाने जा रहा है। भाई अगर इतने सारे लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कोई शो से बाहर भी जाएगा। तो अब एकता कपूर season 4 को हिट बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। एक के बाद एक ट्विस्ट शो में ला रही हैं। बीते दिनों जैस्मिन भसीन के कैरेक्टर को खत्म किया गया और अब जो चेहरा नागिन season 4 से गायब होने जा रहा है, जो चेहरा नागिन season 4 से हमेशा हमेशा के लिए आउट होने जा रहा है, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सायंतनी घोष का है। जी हाँ, सायंतनी घोष यानी नागिन season 4 की मान्यता यानी बृंदा की माँ। कहा जा रहा है कि सायंतनी का किरदार यहाँ मेकर्स अब खत्म कर रहे हैं। इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है क्योंकि शो से बाहर जाने के बाद सायंतनी ने एक्सेप्ट भी की है। उनका एक इंटरव्यू हुआ जहां वो कहती हैं, हाँ मेरा कैरेक्टर खत्म होने जा रहा है। नागिन शो के लिए अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, इसलिए क्रिएटिव टीम ने ये डिसाइड किया है कि वो मेरे कैरेक्टर को मार देंगे ताकि शो में कुछ नया ट्विस्ट लाया जा सके। सायंतनी आगे कहती हैं, किसी भी शो से अलग होना कभी भी आसान नहीं होता। एक आर्टिस्ट के तौर पर आप काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं, लेकिन यही इस इंडस्ट्री का नेचर है। कोई भी कैरेक्टर शो से बड़ा नहीं है। हालांकि शो अच्छा कर रहा है लेकिन बीते सीजन्स के मुकाबले डाउन है। 15 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है, टीवी शो रेटिंग्स के साथ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे कैरेक्टर की मौत शो के लिए अच्छा काम करे। सायंतनी घोष यानी मान्यता, बृंदा की माँ, उनका किरदार होने जा रहा है नागिन season 4 की कहानी में खत्म। उनका किरदार नागिन season 4 से हमेशा हमेशा के लिए आउट होने जा रहा है। सुपरनैचुरल पावर एलिमेंट से भरपूर नागिन season 4 में ये 3 धमाकेदार टर्निंग पॉइंट्स हैं जो आपको आगे नजर आएंगे। रश्मि देसाई की एंट्री से हटकर मौनी रॉय का धमाकेदार कमबैक, इस कमबैक के बाद सायंतनी घोष का शो से बाहर हो जाना, काफी ज्यादा बड़ी खबरें हैं ये। देखना ये होगा कि ये खबरें कितना ज्यादा शो की TRP पर असर डालती हैं, ये खबरें कितना ज्यादा नागिन season 4 की TRP रेटिंग्स को बढ़ाती हैं। देखना होगा कि क्या वाकई इन सारे धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद नागिन season 4 TRP के उस मुकाम तक पहुंचता है जहां तक इस शो के बाकी सीजन्स पहुंचे हैं या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त पर मिल ही जाएंगे। वाकई अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना कि रश्मि देसाई जब आती हैं तो उनका नागिन अवतार कैसा होता है। फैंस सुपर एक्साइटेड हैं रश्मि को नागिन season 4 में आते देखने के लिए, सुपर एक्साइटेड हैं season 1 की शिवन्या, season 2 की शिवांगी को नागिन season 4 में आते देखने के लिए, बृंदा का साथ देते देखने के लिए। हाँ, लेकिन मान्यता का डेथ ट्रैक जो लाया जाएगा, सायंतनी घोष जो शो को टाटा बाय बाय कह जाएंगी, फैंस डेफिनेटली थोड़ा अपसेट है क्योंकि सायंतनी टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जिस तरह से वो नागिन season 4 के जरिए लोगों के सामने आई, फैंस को लगा था कि लंबे समय तक सायंतनी की एक्टिंग को देखने का मौका मिलेगा, मगर अफसोस मान्यता के किरदार को खत्म होने के साथ ही
उनका शो से बाय बाय हो गया है। टीवी बस में आज के लिए इतना ही। एक्सपेरिमेंट्स का डबल डोज एकता कपूर करने वाली है। एक्सपेरिमेंट्स कितने रंग लाते हैं और कितने नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए आप इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट 9 न्यूज एंड स्टे अपडेटेड।